हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनी और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक इनसाइट। देख ही रहे हो या सब्सक्राइब भी कर रहे हो, करो यार, और वो घंटी ज़रूर दबाना, क्योंकि बहुत ही जल्दी इस चैनल पे आने वाला है एक गिव अवे जिसमें आप जीत सकते हो एक ईयरफोन, क्योंकि मैं करने वाला हूँ 5 ईयरफोन्स का गिव अवे, उसमें से आप एक लकी विनर हो सकते हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में, एंड ये बहुत बड़ा टर्म है, बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत जगह एप्लीकेबल भी है, बट आज मैं बात करूँगा जीमेल के बारे में। तो जीमेल यूज़ करके आप बहुत सारी वेबसाइट्स एंड ऐप्स पर लॉगिन करते हो, क्योंकि साइनअप करना किसे पसंद है, पूरा फॉर्म भरना, नेम, अपनी डिटेल्स डालना सारी एंड देन साइनअप करना। उसमें भी कभी कभी इशू आ जाता है कि ये मिसिंग है, तो लोग ज़्यादातर डायरेक्ट साइन इन करना पसंद करते हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, फेसबुक भी हो गया, बहुत सारे अदर ऑप्शन मिलते हैं, बट जीमेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड वे जो लोग यूज़ करते हैं साइन इन करने के लिए। बट आपको पता है कि वो जीमेल साइन इन करने के बाद वो ऐप या वो वेबसाइट आपकी क्या क्या डिटेल्स यूज़ कर रही है? नहीं पता होगा। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई वेबसाइट एक बार यूज़ की होगी या कोई ऐप एक बार आपने यूज़ की होगी, साइन इन किया होगा यूजिंग जीमेल, एंड उसके बाद आपने यूज़ भी नहीं की, ना आपको याद है कहाँ आपने साइन इन किया था एंड कहाँ नहीं किया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि कौन सी ऐप्स या कौन सी वेबसाइट्स के पास आपकी जीमेल का एक्सेस है एंड कैसे आप हटा सकते हो। एंड ये बहुत सिंपल टास्क है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता हो कि कहाँ पे आपने जीमेल से साइन इन किया था, एंड अगर आप वो यूज़ नहीं करते हो तो आप वो रिवोक कर सकते हो बहुत ईजिली। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप डेस्कटॉप से कैसे कर सकते हो, एंड देन मैं आपको बताऊँगा फ़ोन से कैसे कर सकते हो। दोनों में बहुत ही ईजी है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत हैक्टिक टास्क होने वाला, बहुत इजी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लैपटॉप से आप कैसे कर सकते हो। आपको सबसे पहले करना है अपने जीमेल अकाउंट पे साइन इन। वंस यू साइन इन, आपको जाना है अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे जो आपको मिलेगी टॉप राइट कॉर्नर पे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ आपको मिलेगा मैनेज योर अकाउंट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है सिक्योरिटी में, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारी ऐप्स या वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया है। तो किसी पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि क्या क्या एक्सेस है उस ऐप या वेबसाइट के पास और वो क्या क्या कर सकता है यूजिंग दैट। तो यहाँ पे अगर मैं ट्यूबबडी पे क्लिक करूँ तो मुझे दिखेगा मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट, व्यू यूट्यूब एनालिटिक्स रिपोर्ट्स फॉर योर यूट्यूब कंटेंट, सी एडिट एंड परमानेंटली डिलीट योर यूट्यूब वीडियोज, रेटिंग्स, कमेंट्स एंड कैप्शन। तो आप देख सकते हो ये ट्यूबबडी मेरे पूरे यूट्यूब अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, एडिट, डिलीट, रिमूव, जो चाहे वो कर सकता है। बट हर ऐप हार्मफुल नहीं है आपके लिए, कुछ ऐप्स को ये एक्सेस चाहिए होता है टू फंक्शन प्रॉपरली, क्योंकि इसका ये काम है तो उसके पास ये एक्सेस है। बट कुछ ऐप्स या वेबसाइट्स ऐसी भी होंगी जो सस्पिशियस होंगी एंड उनको वो एक्सेस की ज़रूरत भी नहीं है बट उनके पास स्टिल है। तो आप चेक कर सकते हो कौन सी ऐप या कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको लगता है कि आप यूज़ नहीं करते या थोड़ी सी सस्पिशियस लग रही है। तो बहुत ईजी है एक्सेस रिवोक करना, सीधा यहाँ पर आप रिमूव एक्सेस पर क्लिक करोगे एंड सारे एक्सेस ख़त्म। ये है आप कैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि फ़ोन में आप कैसे कर सकते हो। तो फ़ोन में भी बहुत इजी है, जस्ट आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, देन आपको जाना है गूगल में। गूगल में आपको मिलेगा सर्विसेज के नीचे अकाउंट सर्विसेज, इसमें आपको टैप करना है। देन इसके अंदर आपको मिलेगा कनेक्टेड ऐप्स, तो यहाँ आपको सारी ऐप्स मिल जाएंगी या वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आपने जीमेल से साइन इन किया। किसी पे भी आप टैप करके चेक कर सकते हो कि क्या क्या एक्सेस है उसके पास, जैसे इसके पास है ईमेल एड्रेस का एक्सेस एंड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लगता है कि आप ये यूज़ नहीं करते हो या अगेन सस्पिशियस लगती है, तो बहुत ईजी है, जस्ट डिस्कनेक्ट पे आपको टैप करना है एंड दैट्स इट। बहुत ही ईजी है करना और बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है बट ये इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना जीमेल अकाउंट कहाँ कहाँ यूज़ किया है एंड वो वेबसाइट्स या ऐप्स आप यूज़ अगर नहीं करते हो तो वहां से आप अपना एक्सेस रिमूव कर सकते हो। तो यही था बस इस वाली वीडियो में, मैं आपको मिलता हूं अगली वाली वीडियो में बहुत ही जल्द, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एनो घंटी जरूर दबा देना यार, बगल में ही है उसके। आपको मिलता हूं अगली वाली वीडियो में, बाय बाय।